नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। कहते हैं कि सियासत में बस एक छोटी सी चिंगारी होनी चाहिए, फिर आग लगाने वाले तो बहुत होते हैं। दरअसल राजस्थान में इस वक्त जो हालात बने हैं वो कुछ ऐसे ही हो चले हैं। राजस्थान के जालौर में एक टीचर की पिटाई, फिर छात्र का जख्मी होना और फिर इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाना। दरअसल अभी पूरा मसला सूबे की गहलोत सरकार के गले की फांस बन गया है। अब देखिए, अक्सर जब भी किसी सूबे में कोई मसला होता है तो विपक्ष में बैठे नेता उसे तूल देते हैं और सरकार के लिए संकट पैदा करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस बार राजस्थान में इस मसले को लेकर कहानी कुछ अलग ही लगती है। दरअसल जालौर के इस मसले पर विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत कुछ नहीं बोला, लेकिन सरकार के ही हुक्मरानों ने अपनी ही सरकार पर सीधे तौर पर नहीं लेकिन घुमा फिराकर जो तीर चलाने शुरू किए हैं उसकी आवाज अब दिल्ली बैठे आला कमान के कानों तक भी जा पहुंची है। अब सरकार के सामने जब पूरा मामला आया तो तुरंत कार्रवाई भी की गई, मुआवजे का ऐलान कर दिया गया, आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सियासी चूल्हा ठंडा नहीं हुआ तो फिर सरकार के ही कुछ मंत्रियों को जालौर तक दौड़ा दिया गया। कोई महिला मंत्री बच्चे की मां से लिपट कर आंसू बहाने लगी तो दूसरे मंत्रियों और कांग्रेस नेताओं ने घर वालों से संवेदनाएं भी जता दी। यानी अशोक गहलोत के कुनबे को जो टास्क दिया गया था वो पूरा हुआ। लेकिन राजस्थान में तो कांग्रेस का कुनबा एक हीरो दूसरे भी है। यूं समझिए कि राजस्थान में इस कांग्रेस के कुनबे में केवल एक हीरो नहीं बल्कि दूसरे हीरो भी हैं, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। आज शाम जोधपुर होते हुए वो भी जालौर पहुंचे। जोधपुर जालौर के बीच वो अपने चाहने वालों से भी मिले और जोधपुर में उन्होंने इस मामले पर कह भी दिया कि सरकार को तमाम जरूरी कार्रवाइयां करनी चाहिए। इधर दूसरी तरफ गहलोत के ही विधायक पानाराम मेघवाल ने घटना से आहत होकर एमएलए पद से अपना इस्तीफा सीएम गहलोत को भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ भाजपा विधायक जोगेश्वर गर्ग ने कह दिया कि पूरे मसले की अच्छे से जांच होनी चाहिए, यानी पार्टी लाइन से कुछ अलग हटकर जोगेश्वर गर्ग का बयान। दरअसल यहां अब मसला कुछ उलझ गया है सियासत की वजह से, क्योंकि जहां एक तरफ गहलोत सरकार ने मुआवजे के तौर पर 5 लाख रुपए का ऐलान कर दिया तो मांग उठी 50 लाख के मुआवजे की। घटना को लेकर 4 लोग आज जयपुर में विधानसभा के पास पानी की टंकी पर चढ़ गए तो दूसरी तरफ जोधपुर में भी इस मामले को लेकर लोगों में गुस्सा देखा गया। अब देर शाम सामने आया कि प्रदेश कांग्रेस पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए देगी, यानी सरकार और कांग्रेस की ओर से कुल मिलाकर 25 लाख का जुगाड़। दरअसल इस पूरे मसले की सियासी कहानी ये कि यहां अपने ही अपनों के खिलाफ नजर आ रहे हैं। सरकार ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को बच्चों के परिजनों के पास जाने से रोक दिया तो गोलमा देवी वहां पहुंच गई और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। एमएलए पद से अपने इस्तीफा भेजने वाले विधायक मेघवाल ने कह दिया कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती वो अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। और इधर खबर ये कि शायद अगले कुछ दिनों में दिल्ली से राहुल गांधी भी जालौर की सियासी उड़ान भर सकते हैं। और वहीं दूसरी ओर मंत्री बीडी कल्ला ने कह दिया कि घटना दुखी करने वाली है। वहीं पायलट ने सीधे तौर पर कह दिया कि दलित समाज को इससे हटकर हमें संदेश देना पड़ेगा, उनके जहन में विश्वास जगाना होगा कि हम उनके साथ खड़े हैं। सिर्फ कानून बनाने, नियम बनाने, भाषण देने और कार्रवाई से शायद यह हम पूरा नहीं कर सके, उन्हें विश्वास दिलाने के लिए जो कुछ करना है हमें करना पड़ेगा और इस तरह की घटना दोबारा ना हो इसे भी सुनिश्चित करना होगा। और 50 लाख के मुआवजे की मांग पर उन्होंने कहा कि सरकार को जो उचित हो वह करना चाहिए, परिवार की मांग को मानना चाहिए। जाहिर है एक बच्चे की इस तरह मौत का मामला वाकई बेहद दुखी करने वाला, फिर चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी परिवार का हो। लेकिन इस मसले ने
जिस तरह से गहलोत सरकार को संकट में डाल दिया, उस पर सवाल उठा दिए, अब सरकार उसी से राहत पाने का रास्ता तलाश रही है। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें नजर आ रही है वो कुछ धुंधली नजर आ रही है, और अगर सियासत में ऐसा होता है तो यकीन मानिए वो कोई अच्छे संकेत नहीं माने जा सकते। बहरहाल अब देखना होगा कि अब आने वाले वक्त में मामला शांत होता है या फिर कोई एक नई चिंगारी को सियासी हवा दी जाती है। नमस्कार।